C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। सर ने कल रात के लिए मुंबई जाने की 2 टिकट्स बुक करवाई हैं। पहला नाम तो अथर्व बापट है, दूसरा नाम कौन सा है? तुम जानती नहीं हो मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ कल्याणी। छोड़ो मुझे, मैं अथर्व के साथ कुछ नहीं कर रही थी वहाँ। बाकी किसी चीज की मुझे समझ हो ना, लेकिन इंसानों को परखने में कभी गलती नहीं। मुझे अथर्व की गर्लफ्रेंड का पता चल गया। तुम एक काम करो, अपना ईमेल चेक कर लो। मैंने अभी उसकी पिक्चर भेजी है। मेरा 18th बर्थडे अथर्व कभी नहीं भूल पाएगा। कल तुम्हारा खेल खत्म। अथर्व, मैं हूँ अथर्व की गर्लफ्रेंड। कल्याणी की वजह से यार मेरा साथ सबके सामने आ गया। कल्याणी तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बताओ करोगी शादी मुझसे? करोगी ना शादी? करोगी ना? अरे मैं बुलवाऊँ ना उसे। समस्या का कोई तो उपाय होगा ना? अगर अथर्व की शादी किसी वृक्ष के साथ करा दी जाए तो ये पीड़ा टल सकती है। जब तक अथर्व पेड़ के साथ शादी में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह संपदा को बचा लूंगी। एक्चुअली मुझे अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाना है, आप प्लीज मुझे ड्रॉप कर देंगे? बैग में क्या है तुम्हारे? संपदा के कपड़े? ए नहीं लड़की, चल इधर। सोच समझ कर बोली लगाना भाई लोग, ऐसा माल बाजार में रोज रोज नहीं आता। कल्याणी का मैसेज, मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ। 5,20,000। 5,20,000 एक, 5,20,000 3। माल आपका हुआ साहब। कैसा लगा तोहफा? मैं संपदा की उंगली काटती। अगर तुम्हारी जरा भी आवाज बाहर गई ना भाई, मैं संपदा की एक एक उंगली काट कर उसे माला में पिरो कर तुम्हारी गर्दन में डालू। आज जब मल्हार जी आएंगे ना दिवाली पूजा के लिए, हम उन्हें सब सच बता देंगे। मैंने कहा था ना कल्याणी कि मुझसे चालाकी मत करना। साल के केलवन का खाना तो लोग सालों तक याद रखेंगे कल्याणी। अब देखता हूँ तो मल्हार को सब कुछ सच सच कैसे बताऊँ। अरे शावत तो चूल्हे पे चढ़ाना ही भूल गया। अरे लगाओ भाई लगाओ, जल्दी जल्दी, चलो चलो, अभी आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। कल्याणी के साथ क्या किया है तुम? अपने होने वाले पति की बात ना मानना तो गलत बात है ना भाई। कल्याणी, हे गणपति बाप्पा, कल्याणी की रक्षा करना। कल्याणी, अब कौन सा नया बैग खड़ा खड़ा कर दिया तुमने? मैं आपको सच्चाई बताने आई हूँ मल्हार जी, कि संपदा मुंबई गई ही नहीं है, उसे अथर्व ने किडनैप कर लिया है। कल्याणी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो कमरे में आराम करना चाहिए। माई कल्याणी कहाँ है? माई कल्याणी कहाँ है?
जब तक मेरे और तुम्हारे फेरे नहीं हो जाते यानी कि शादी नहीं हो जाती उस तक संपदा मेरे कब्जे में रहेगी। मुझे सिर पे मारा, उसके बाद में बेहोश होने लगी। जीतने हुए पति ने तक लेके गया और उसके अंदर डाल दिया। सच्चाई बतानी होगी। मैं आपको अभी यहाँ का एड्रेस भेज रही हूँ। अब मल्हार जी को अभी के अभी इधर लेके आइए। मल्हार को बता देती हूँ। तुम बार बोला माई कि मुझसे चलाकी मत करो, समझ में नहीं आ रहा है। इस दिवाली शो खेली जाएगी ताश की सबसे बड़ी बाजी। अब ये घर आपके तीनों बहू हैं, यहाँ तक कि आपका अपना पति, सब कुछ हार गए हैं आप। आपने तो कलयुग का महाभारत रच दिया सासू माँ। अब कैसे रोकोगे सब कुछ ताव पर लगने से? हारी थी बाजी को जीत कर कैसे बचाएगी गुंडा अपना घर, पति और तीनों बहुओं को? कल देखिए विवान का मेडिकल रिपोर्ट तुलिका और सनी देखने के बाद अब क्या नई चाल चलेंगे। माही विवान की बेटी है। हाँ। मुझे शांतनु को कोलकाता छोड़कर जाने से रोकना होगा। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता था ये अस्मिता की सच्चाई जान बैठा शांतनु, क्या छुपा पाएगा अपनी भावनाओं को या फिर होगी किसी नए रिश्ते की शुरुआत? अब तुम्हें इस हाथ में से पीच वाली उंगली तुम निकालनी है। ये वाली मैं सुपरमैन से जीत गई। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना, फिर तुम किसी की नहीं हो सकती। तो तुम एक काम करो, जाओ और मर जाओ। तुमने मुझसे पूछे बिना मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट किया? डॉक्टर प्रीता अरोरा ने कहा था। उसने रिपोर्ट्स देख ली है? देख ली। नेशनल शरिया बोर्ड की तरफ से 1 करोड़ रुपए का चेक आपको देने की मंजूरी दी। चेक 1 करोड़ का नहीं, 1.5 करोड़ का है। बाकी के 50 लाख जरा भी आपके प्रोजेक्ट के लिए अदा किए। हमारी हमेशा से ख्वाहिश थी हमारे मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए कुछ कर सके। हेलो एंड वेलकम कानपुर वासियों, मैं हूं आपका चहेता आरजे राज। आज का हमारा शो बहुत ही खास है। आज अभी इसी वक्त पूरे शहर के सामने आई लव यू बोल दीजिए इसे। आज आपकी ये जो अनोखी प्रेम कहानी है ना, आज इसे पूरा कर दीजिए।
साहिल अग्रवाल, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए साहिल। वो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं हो सकते। मम्मी गाड़ी रोको, मैं कह रहा हूँ।